हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए फटाफट मेरे सवालों का जवाब दीजिए, मैं जो पूछता जाऊं रैपिड फायर। कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस में क्या क्या कॉस्ट आता है? प्रिवेंशन और अप्रेजल। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी किसको बोलते हैं? इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर। ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है? जहां पे टोटल कॉस्ट लीस्ट हो, टॉलरेबल लेवल ऑफ डिफेक्ट्स। ठीक है, ओके। वैल्यू चेन में कितने तरह के एक्टिविटीज होते हैं? वैल्यू चेन में कितने तरह के एक्टिविटीज होते हैं? प्राइमरी और सपोर्ट। प्राइमरी में नाम बोलिए। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड, मार्केटिंग एंड सेल्स और आफ्टर सेल सर्विस। सपोर्ट में HR, फर्म इंफ्रा, टेक्नोलॉजी, प्रोक्योरमेंट। ऐसे याद रखना पड़ेगा रैपिड फायर में। अच्छा, वैल्यू चेन के लिए तीन इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क क्या क्या है? थ्री इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क चेक कर लीजिए आप। थ्री इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क, थ्री स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन। थ्री स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन, थ्री स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन, व्हाट आर दोज? हाँ, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, कोर कॉम्पिटेंस, सेगमेंटेशन। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर कहां से पता चलेगा? हाँ, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर मतलब पोर्टर्स फाइव फोर्सेस, ओके। एंड कोर कॉम्पिटेंस में व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंस? यूनिकनेस। टू इंपॉर्टेंट वेज ऑफ अचीविंग कोर कॉम्पिटेंस, यूनिक स्किल, टेक्निकल नो हाउ। टू सोर्सेज ऑफ कोर कॉम्पिटेंसी, रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी टू कोऑर्डिनेट एंड यूज दैट रिसोर्स फॉर प्रोडक्टिव यूज, ओके। So that was core competence. Then how can you use value chain to assess core competence? Char point hai. Validate existing value chain, leverage it, reconfigure and create a new value chain. Theek hai? Okay, what was iceberg model? What was iceberg model? Which was talking about obvious and hidden issues that has to be taken care of. Obvious issues are those 4x quality costs, and there are other hidden issues which should be also worked upon so that you can achieve total quality. Okay. Now, we are into next part of the chapter. It is our second part. You check the list. We are in quality management. We are already in quality management. And in that we have done cost of quality portion. Now we want to do second portion, which is to be total quality management. Mila? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। हालांकि ये चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, बट एक बार फिर से गो थ्रू करना चाहते हैं। इसके तीन पायनियर हैं। एक तो मिस्टर जूरन, जिसका नाम आप पढ़े ही हैं ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में। एक है सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टर डेमिंग। ही वॉज एक्चुअली फ्रॉम USA, बट ही कॉन्ट्रीब्यूटेड अ लॉट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्चुअली इन जापान। When he was traveling to Japan, Japan gave him lot of recognition. And till date, you know, Japan recognizes Mr. Deming. Japanese government recognizes Mr. Deming by giving away to its companies a Deming prize for best quality in the country. Till date, Japanese recognize Mr. Deming. And Mr. Jurin, who came up with the concept of cost of quality. And the third is Mr. Feigenbaum. You can see the name in third line. Feigenbaum.
सर ये सब नाम का कोई जरूरी है क्या? देखिए कुछ पता नहीं चलता है, जितना आप जैसे लॉ में सेक्शन नंबर इम्पोर्टेंट होता है ना, वैसे हमारे सब्जेक्ट में नाम वाम इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब आप बोलेंगे तो कोई सेक्शन नंबर आता तो नहीं एग्जाम में, बट लिखने से इम्पैक्ट पड़ता है। आता तो नहीं है बट लिखने से इम्पैक्ट पड़ता है, वैसे नाम ऐसे कुछ पूछे नहीं बट फिर भी लिखने से बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हमारे प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, वो ज्यादा यूज किया जाता है, सबके साथ सबका विकास। प्रधानमंत्री जैसा बोलते हैं ना, सुने हैं क्या मोदी जी को? सबके साथ सबका विकास, यही है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सबका साथ चाहिए, और सबका साथ लेंगे तो हम लोग क्वालिटी अचीव करेंगे, और क्वालिटी अचीव करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा, तो भाई सबका विकास हो जाएगा। मतलब एक क्लियर फ्रेज में अगर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट समझना है तो सबका साथ सबसे इम्पोर्टेंट है। ये मैंने टोटल क्वालिटी का चैप्टर में भी बताया था, वापस बता दूं कि टोटल वर्ड का मतलब ही यही कि सबका साथ चाहिए। खाली क्वालिटी में अकेला कोई एम्प्लॉई सोचेगा नहीं होगा, अकेला कोई मैनेजमेंट सोचेगा नहीं होगा। यू नीड अ प्रॉपर टीम हु विल वर्क टुगेदर, एंड द टीम शुड कंप्राइज ऑफ बोथ एम्प्लॉई एंड मैनेजमेंट। ठीक, सो यू सी दिस, यू विल बी एबल टू सी हियर, TQM इज अ मैनेजमेंट फिलोसॉफी दैट सीक्स टू इंटीग्रेट ऑल ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस, विच इज सेइंग दैट सारे डिपार्टमेंट साथ में काम करेंगे, मार्केटिंग, फाइनेंस, डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस एक्सेट्रा, टू फोकस ऑन मीटिंग कस्टमर नीड्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अकेला एक जन कोई काम नहीं करेगा, सबको लेके क्वालिटी के बारे में सोचना है। ओके, एंड ऑफ कोर्स TQM एम्स एट कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ इंटरनल प्रैक्टिसेस। इट इज इंडीड अ जॉइंट एफर्ट ऑफ मैनेजमेंट, स्टाफ मेंबर्स, वर्क फोर्स एंड सप्लायर्स। इवन सप्लायर्स को ले लिया साथ में, अपने सोचते सबके साथ सबका विकास में हम लोग इंटरनल के जो लोग हैं वो लोग ही, बट इंटरेस्टिंगली सप्लायर को भी पार्ट बना लिया गया, टू मीट एंड एक्सीड कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल। आप अकेले मत सोचिए, आप सबको इन्वॉल्व करिए, आपके जितने स्टेक होल्डर्स हैं सबको इन्वॉल्व करिए और सब मिल के क्वालिटी के लिए काम करिए। ओके, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक्चुअली द हिस्ट्री ऑफ TQM हैज बिन विथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, बट अब तो जमाना इतना एडवांस हो गया कि उसको सर्विस सेक्टर में भी डाला एज वेल एज उसको पब्लिक सेक्टर में भी डाल दिया। TQM हैज नाउ बीन अप्लाइड इन सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, सर्विस एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। मतलब वाइड एप्लीकेशन हो रहा है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो क्वालिटी वर्ड बात हो की जा रही है, मतलब हाउ दे स्टार्ट अबाउट द थिंकिंग ऑफ क्वालिटी, सब मिलके क्या सोचोगे? कि पहला जो मेन गाइडिंग प्रिंसिपल है टोटल क्वालिटी में, वो बोल रहे हैं कि पहली बार में ही डिफेक्ट फ्री बनना चाहिए। मतलब उसके पहले क्वालिटी मतलब लोग समझते थे दुनिया में कि बस डिफेक्ट फ्री होना चाहिए, अब डिफेक्ट यहाँ आ गया तो उसको सुधार के दे दो। बट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो पढ़ाई है, जो मिस्टर एडवर्ड डेमिंग ने लोगों को सिखाया, वो सिखाया कि डिफेक्ट आता ही क्यों है, पहली बार करेक्ट बनना चाहिए, परफेक्ट बनना चाहिए। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप लोग भी सम कर रहे हो तो वो पढ़े के वन शॉट करेक्ट, कोई सिली मिस्टेक नहीं, कोई करेक्शन नहीं, एकदम वन शॉट सॉल्व करना शुरू किया, जो आंसर आया वही फाइनल आंसर है। और एक होता है कि आप सम पढ़े, हल्का सा मिस्टेक हुआ, फिर ओवर राइटिंग किए, फिर करेक्ट किए, फिर आगे बढ़े, फिर सिली मिस्टेक हुआ, बट घसीट पसीट के सही कर दिया, तो आप खुद ही समझते कौन सा सम अच्छा से हुआ कौन सा सम अच्छा से नहीं हुआ। तो इट इज जस्ट लाइक दैट। आप अपने हिसाब से सोचे ना, आप कितना टोटल क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, कोई सम करते एकदम नीट एंड क्लीन, एक बार में एकदम एक्यूरेट, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट
क्वालिटी। अब काट पीट के सही कर दिया तो सही तो हो गया, बट क्वालिटी नहीं आया। ठीक, टोटल क्वालिटी का मेन ऑब्जेक्टिव है हाउ योर प्रोडक्ट और सर्विस इज एप्ट द फर्स्ट टाइम। पहली बार ही परफेक्ट होनी चाहिए, पहली बार ही परफेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। दैट्स द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टोटल क्वालिटी। टू मेन ऑब्जेक्टिव्स वी से, देर आर टू मेन ऑब्जेक्टिव्स, दिस यू कैन सी इन फर्स्ट लाइन, टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ TQM। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इरेडिकेट वेस्ट। इरेडिकेट वेस्ट मतलब वेस्ट को हटाओ। दूसरा इज टू इंक्रीज एफिशिएंसी। आपको एक चीज बताएं, इंटरेस्टिंगली अगर आप ठीक से चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा मोदी जी खाली यही करे। ये सच है, उनका प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के ऊपर एक बार पूरा थॉरो आर्टिकल लिखा गया था। पहला साल खत्म हुआ था उनका, उसके बाद थॉरो आर्टिकल, तो उसमें पता चला कि व्हाट ही इज डूइंग, यू नो, ही इज ओनली फॉलोइंग जिस टोटल क्वालिटी फिलोसॉफी इन ऑल इज स्पीच, इन ऑल इज वर्किंग एंड इन ऑल इज मेथोडोलॉजी, इन ऑल इज कैंपेन्स एंड इन ऑल हिज दिस योजनाज और प्लान्स दैट ही मेक्स टू दिस फ्री फ्रॉम ऑल इविल्स इन दिस कंट्री। सीरियसली, वो जापान उनका विजिट करने का एक मेजर रीजन यही था। ही विजिटेड जापान, पीपल वेर सेइंग कि वो घूमने जाते हैं, बट द फैक्ट वॉज ही विजिटेड ओनली टू अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क, हाउ दे वर्क इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, हाउ दे डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउ देयर फाइनेंस सिस्टम वर्क इट। एंड वो बहुत डिलीजेंटली उसको समझ के अपने PMO में उसको अप्लाई करवाए। मतलब उनका पहला भाषण मेक इन इंडिया का यूट्यूब में अभी भी मिलेगा। वेन ही कैंपेन्ड मेक इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, ही अपील्ड टू यंगस्टर्स लाइक अस कि आप लोग अब मेक इन इंडिया सोचो, अब बाहर का मत सोचो, अब इम्पोर्ट मत कराओ, और मेक इन इंडिया में जब आप काम करते हो तो आपको फंड जो चाहिए वो हम ला के देंगे, या फिर आप छोटे से छोटे फंड से भी बिजनेस कर सकते हो, बस आप सोचो तो सही कि आपको करना है। और उसमें दो ही चीज का ध्यान रख, दो बात उन्होंने बताई, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। वो अपने भाषण में बोले थे जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट से काम करना है नौजवानों। जीरो डिफेक्ट समझ ही गए आप टोटल क्वालिटी पे, और जीरो इफेक्ट मींस वो एक्सप्लेन भी किए, जीरो इफेक्ट मींस एनवायरमेंट पे उसका इफेक्ट नहीं आना चाहिए। एनवायरमेंट पे इफेक्ट आएगा तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं देश को नुकसान उठाना पड़ेगा, उसका सोशल कॉस्ट है, आपके लिए कॉस्ट नहीं है, सोशल कॉस्ट है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट से काम करो। एंड स्वच्छ भारत योजना एक्चुअली यही है, इरेडिकेटिंग वेस्ट। व्हाट इज डूइंग, इरेडिकेटिंग वेस्ट। एंड टू इंक्रीज एफिशिएंसी व्हाट डिड ही डू, यू नो, इन्होंने अपने सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का जिस जिस डिपार्टमेंट में ये जा सकते थे, मतलब इनका होल्ड हो सकता था, उन सब का पूरा वर्क कल्चर ही चेंज करा दिया। मतलब हमारे कुछ पहचान के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जो IRS या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, तो वो बोलते थे पहले हम लोग बहुत फ्रीली आते जाते थे, अब हमारा रूटीन हो गया कि हम 9:30 बजे ऑफिस में एंटर कर जाते हैं। मतलब नहीं करते तो क्या होता है कि सीनियर आके टोक देता है, तो क्या हो गया टोक दिया तो। नहीं, हम लोगों के लिए थोड़ा सा वो रेपुटेशन वाली बात होती कि हमें कोई को टोक क्यों दिया, क्योंकि वो लोग भी एक पोजीशन पे बैठे हैं ना, उनके सीनियर उनको टोक भी देते तो वो उनके लिए इंसल्ट हो जाता है। तो बोलते हैं पहले हम लोग 12:12 बजे तक आते थे, अब 9:30 बजे सब ऑफिस में एंटर करते हैं। मतलब ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं एट इट्स वर्स्ट इन मोदीज रिजाइम। वर्स्ट मीन्स सबसे ज्यादा मेहनत ये लोग जिंदगी में नहीं किए जितना वो अभी कर रहे हैं। एंड ही व्हाट डिड ही डू, ही जस्ट ट्राइड टू ब्रिंग आउट एफिशिएंसी इन देम। पूरा फिलोसॉफी इन्होंने टोटल क्वालिटी से ही उठाया हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। इनका जितना भी सिस्टम है वो सब टोटल क्वालिटी से इंस्पायर्ड है। एनीवेज, सीमा ने डेफिनेशन दिया है, CIMA में आपने नाम सुना ही है, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। इन्होंने ही एक्चुअली सारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग टर्म्स को
समझ लीजिए दुनिया में कॉइन किया है, बड़े बड़े रिसर्च आर्टिकल्स से उठा के उसको एकेडमिक का पार्ट बनाया। जैसे मिस्टर डेमिंग, मिस्टर ज्यूरन, ये लोग क्या किए थे पता है, नॉवल लिख लिख के चले गए। अब उस नॉवल को पढ़ पढ़ के उन्होंने कुछ पढ़ाई का पोर्शन बना दिया, सिलेबस का पोर्शन बना दिया। तो उन्होंने जो जो लिखा वो एक कोटेशन बन गया। सीमा बहुत सोच समझ के लिखता है, बोल के दैट डिफाइंस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एज इंटीग्रेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑल बिजनेस फंक्शंस। देखिए की वर्ड्स है इंटीग्रेटेड ऑल बिजनेस फंक्शन, सो दैट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड विच मीट और एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। It requires employee involvement, continuous improvement at all levels, and customer focus, as well as a collection of related techniques aimed at improving quality, such as full documentation of activities, clear goal setting, and performance measurement from the customer perspective. Okay. So, इसी definition को वापस यहाँ पे तोड़ा गया है. This is the breakup of the definition. Breakup of above definition. तो इफ यू जस्ट रीड इट इट्स इनफ। और एक्चुअली डेफिनेशन देखिए, सीमा का डेफिनेशन कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंस नहीं रखता, रादर आपको उसके की वर्ड्स मालूम होने चाहिए, जो मैं यहाँ पे की वर्ड्स अंडरलाइन किया कि ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये सारे बिजनेस फंक्शन को टच करता है, इसमें कस्टमर का फोकस है, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रहेगा, और आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन, गोल सेटिंग वगैरह वगैरह सब करके रखने, उसी को यहाँ पे वापस ब्रेक किया हुआ है। देन सिक्स सीज ऑफ टीक्यूएम, ये आपको पहले भी क्लास में बताया गया है, तो इसमें मुझे कुछ इम्फोसिस देना नहीं है। सिक्स सीज में सी से छः छः फुल फॉर्म निकल के आएंगे। सी फॉर जैसे कमिटमेंट, सी फॉर कल्चर, सी फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस एंड कंट्रोल। देखिए हर एक के ऊपर लिखना भी आना चाहिए, खाली सी फॉर कमिटमेंट बोलने से नहीं होगा। कमिटमेंट इज फ्रॉम होम, कमिटमेंट इज फ्रॉम होम, हु विल कमिट। कमिटमेंट इज सबका काम है भाई, मेरा अकेला का काम नहीं है। एंड यू हैव टू कमिट योरसेल्फ टू दिस पर्टिकुलर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देन देयर इज कल्चर, कल्चर इज जैसे होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, एक सोचने का तरीका, कम्युनिटी थिंकिंग को कल्चर बोलते हैं। तो एक कल्चर ही होना चाहिए कि जो आ रहा है वो भी इसमें घुस जा रहा है, जो है वो इसी में है। मतलब इट शुड नॉट बी एज वन टाइम थिंग। कल्चर मीन्स इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थिंकिंग दैट यू हैव टू इनकल्केट एज क्वालिटी, कि यहाँ बिना क्वालिटी के कुछ होता ही नहीं। थर्ड इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, वॉट एवर यू डू यू हैव टू इम्प्रूव कंटिन्यूसली। कोऑपरेशन इज ऑब्वियसली फ्रॉम ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड बिटवीन इम्प्लॉइज ऑल्सो। कस्टमर फोकस इज द प्राइम, दैट्स द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट। एंड कंट्रोल, कंट्रोल के लिए सीमा ने यहाँ पे लास्ट में बोला था, देखिए इम्प्रूविंग क्वालिटी सच एज फुल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज। जब आप जो भी क्वालिटी के लिए करते हो उसको डॉक्यूमेंट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आपने जो सोचा था वो किया कि नहीं किया। दैट्स कंट्रोल अबाउट, कंट्रोल इज अबाउट कि आपने क्या सोचा और आपने क्या किया। ठीक, अब ये पढ़ना आना चाहिए और आपको उसका इलैबोरेशन पता होना चाहिए। मतलब इट्स जस्ट नॉट अबाउट रिमेंबरिंग द फुल फॉर्म, एटलीस्ट वी शुड नो व्हाट वी शुड राइट इन वन हेडिंग। नाउ डेमिंग के बारे में बताया जा रहा है। ओके, डेमिंग साहब के क्वालिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन रही वो मतलब इम्पेकेबल है। आप समझ लीजिए इन्होंने जो बताया वो कोई नहीं बता सका, और आज भी इनकी फिलोसॉफीज दुनिया में एकदम कायम है। वो हमें पढ़ना है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मिस्टर डेमिंग एक्चुअली यहाँ पे उनका हिस्ट्री बता रहा है कि वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुआ करते थे 1940s। देन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही थॉट दैट ही शुड ट्रैवल एंड शेयर हिज knowledge across the world. Then when he started traveling, he came to India also, you know. First he came to India. His friend was Professor Prafulla Chandra Mahalanobis, the founder of Statistical Institute. He was a professor of statistics. So Professor Prafulla Chandra Mahalanobis from India was also a statistics professor. So basically he was statistical scientist, bolte the unko.
तो ही ब्रॉड हिम टू इंडिया, ही वॉज क्लोज फ्रेंड. सो इंडिया उस समय इतना डिस्टर्ब था बिकॉज ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और यू कैन से जस्ट इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ही था. तो मतलब था ना, इंडिया इंडिपेंडेंट जब हुआ तो ब्रिटिश लोग एकदम ऐसे फटे हाल छोड़ के चले गए थे. अब करो तुम लोग जो करना है, हम जो हम लोग जा ही रहे हैं तो तुम लोग भूखे मरो ये मरो, बस एक जन को इंचार्ज बना दिया. अब कहाँ से कॉन्सोलिडेट करें, किसको किसको जगाएं. मतलब इंडिया में एक प्रॉब्लम था, पता है, ब्रिटिश लोग जब थे इंडिया में तो ब्रिटिश लोग तो अपने रूलिंग में इंग्लिश में बात करते थे, और इंडियन से बात करने के लिए वो लोग ट्रांसलेटर रखते थे. तो मेरी बात को बोलो, तो मेरी बात को बोलो, तो जो जिस भाषा को समझता था वो वैसा ट्रांसलेट करवा देते थे. नहीं तो सीधा जवान उनका दरकार ही नहीं था, वो तो मारते थे, रूल करते थे, वो तो पावर का कॉन्सेप्ट था वहां पे. तो ब्रिटिशों का काम तो ऐसे हो गया, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना तो जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी वगैरह सब साथ में बैठे, तो उनको एक पहला कमी यह एहसास हुआ कि अरे अब अपनी बात को पहुंचाए कैसे, ट्रांसलेटर ले लेके कैसे घूमे. तो इंडिया का भाषा क्या है, सबका भाषा अलग अलग है, इतना डाइवर्सिफाइड कंट्री है, हम लोग को पूरा देश को लेके चलना है तो सबका भाषा भी अलग अलग है. तो उन्होंने रेडियो के माध्यम से एक नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट करवाया कि हिंदी हमारा नेशनल लैंग्वेज है, आप लोग हिंदी जल्दी से जल्दी सीखें. हिंदी सिखाने के ऊपर जोर देना दिया जाने लगा, और ये बताया गया कि हिंदी भाषा जल्दी से जल्दी कोई भी समझ सकता है, जल्दी से जल्दी सीख सकता है, मतलब इट्स नॉट टफ टू लर्न इट. फिर ये लोग सारे भाषण वाषण हिंदी में देना शुरू किए कि हिंदी भाषा में बोल के कम पूरे इंडिया को यूनाइट तो करे भाषा के थ्रू, फिर अपनी अपील करेंगे कि आपको क्या क्या करना है अभी देश को आगे ले जाने के लिए. एनीवेज, इंडिया बहुत भटका हुआ था उस समय. तो मिस्टर डेमिंग को लगा कि मैं अभी यहाँ पे क्या ही कर लूंगा, तब ये वापस ट्रैवल करने के लिए निकल पड़े जापान, और जापान इनका इतना स्वागत किया कि ये 20-30 साल बोलते जापान में अपना सर्विस दिए, 20-30 साल वहाँ पे सर्विस दिए, वहीं पे रह गए, और जापान ने इनको नॉलेज को यूज करके यूनिवर्सिटीज बना दिया. ये आज भी मैं कभी भी थोड़ी देर बोला रिकग्निशन देने के लिए जापानीज गवर्नमेंट डेमिंग प्राइज हर साल दिया करता है, और उसी समय से देना शुरू कर दिया था कि जो क्वालिटी अचीव करके दिखाएगा उसको ये अवार्ड मिलेगा. एंड फिर नहीं, जापान से निकले वो तो 1970s 1980s में आकर डेमिंग फिलोसॉफी अमेरिका में यूज होने लगा. तो डेमिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कहना था, इन्होंने अपने फिलोसॉफीज में बहुत सारी बातें बताई, कि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कहना था कि दोष जो है वो किसी वर्कफोर्स का नहीं होता, क्वालिटी में किसी वर्कर का नहीं होता, किसी एम्प्लॉय का नहीं होता, सिस्टम का प्रॉब्लम सबसे पहले होता है. द प्रॉब्लम इज इन सिस्टम. यू कैन नॉट बुली योर एम्प्लॉय फॉर कि आपका क्या काम कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, ये गलत किया वो गलत किया, आप कर रहे हो तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम है. आपको करना है कि आपका प्रोसेस को आपको इम्प्रूव करना है, उसका दोष नहीं है, वो जितना जानता था उसके हिसाब से कर दिया. आपका प्रोसेस ऐसा होना चाहिए वो मिस्टेक हो गई नहीं. जैसे ये चीज अभी पिछले भी हमारे ऑफिस में घटा. कैसे, हम लोग आप लोग जैसे फीस पेमेंट करते हैं ना, तो हम लोग उसका बहुत सारा कंट्रोल शीट बनाते हैं. कंट्रोल शीट में पहले एक्सेल शीट में आता है, फिर एक्सेल शीट से एक और उसका पाइवट में, पाइवट टेबल आप समझते होंगे, उसमें जाता है, फिर पाइवट टेबल से फिर वो टैली में जाता है, टैली से फिर वो जीएसटी रिटर्न्स में जाता है, बहुत सारा उसका कंट्रोल शीट से. तो हर जगह वो टैली होते रहना चाहिए. अब अगेन कैश का एक अलग कैश बुक है, कार्ड फीस का अलग कार्ड का स्टेटमेंट है, ऑनलाइन फीस का ऑनलाइन का स्टेटमेंट है. तो इट हैज टू बी टैलीड फ्रॉम ऑल सोर्सेज, देन वी पुट इन टू जीएसटी रिटर्न. सो हुआ क्या, किसी स्टूडेंट का ऐसा निकला कि फीस दिया हुआ है मान लीजिए 12,000, एंट्री किया हुआ 12,500. तो क्लियर क्लियर है 12,000, मतलब वहां पे कार्ड स्टेटमेंट बता रहा है 12,000, और हमें पता है वो 12,000 ही दिया हुआ है, बट एक एंट्री किया हुआ 12,500. तो हुआ क्या, ये जब जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे थे तो हड़बड़ में कर दिया गया, तो 12,500 डिक्लेयर कर दिया गया, 12,500 के हिसाब से सर्विस टैक्स यानी जीएसटी दे दिया गया. अब इनकम मेरा 12,500 ही आ गया,
तो अब देखिए 12,500 रुपये मैंने 18% भरा, और फिर जो ग्रॉस अमाउंट आया उसके ऊपर 30% टैक्स भरूंगा अलग। तो 1,000 रुपये अब दो जगह ऐसा पकड़ा गया। तो मैं भाई मैडम को बुला के बोला कि क्या किया आपने? सर हो गया, आप क्या करें? अरे ठीक है, अब क्या करें, कोई उपाय नहीं, आपका दोष नहीं। सर दोष तो मेरा है, लेकिन नहीं दोष आपका नहीं, हमारे गुरु डेमिंग है जिन्होंने हमें एक बात सिखाई कि वर्कफोर्स का दोष हो ही नहीं सकता, आपके सिस्टम का दोष है। मतलब मैंने जो सिस्टम बनाया, मान लीजिए जो एक्सेल शीट बनाया या जिस तरह का कंट्रोल शीट हमने बना रखा है, उसमें एरर होने की संभावना है। मतलब ये शीट उतना परफेक्ट नहीं है। आपने मुझे एहसास दिलाया कि हमारा सिस्टम में थोड़ा दोष चल रहा है, तो फिर मैं थोड़ा और एग्रेसिव हुआ कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसमें वो लोग एंट्री करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली सब जगह एंट्री हो जाए, मतलब एक्सेल में भी हो जाए, मतलब वहीं से टैली में चला जाए। हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जिसमें आपका स्टूडेंट का इनवॉइस जब जनरेट करेंगे लोग, उसके बाद जाकर वहीं से वो टैली में घुस जाएगा, वहीं से जीएसटी रिटर्न निकल जाएगा। टैली करना नहीं पड़ेगा, टैली ऑटोमेटिक होता रहेगा। तो ये एहसास कब होता है? जब ये सब पढ़ाई करते हैं तो एहसास होता है ना कि किसको दोष दें भाई, मैं यहाँ पे सिस्टम का दोष है भाई। हर आदमी अपना तरह से अपना बेस्ट ही दे रहा है, करेक्ट। तारे जमीन पर वो हीरो भी तो यही बोल रहे थे ना कि हर बच्चा खास होता है, वैसे हर इम्प्लॉय खास होता है भाई। आप उसके जुनून को पहचाने, सीधी सी बात, आप अपना कोई सिस्टम का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर ना थोपे, उसके हिसाब से सिस्टम चेंज कर ले या फिर नया सिस्टम बनाए, उसमें उनको दोष ना दे, वो अपने हिसाब से बेस्ट ही कर रहा है। तो डेमिंग फिलोसॉफी में ये बात एकदम क्लियर क्लियर आती है। जैसे हिस्टोरिकली पुअर क्वालिटी वॉज ब्लेम्ड ऑन वर्कर्स, देखिए, ऑन देयर लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, लेजीनेस और केयरलेसनेस, है ना। इनफैक्ट हम लोग ऐसे ही करते हैं आज भी, जैसे ही देखा बाबू कंपनी होती है ना, बाबू कंपनी, जैसे मान लीजिए आपका सीए, सीए फर्म को हम लोग बाबू कंपनी बोलते हैं। बाबू कंपनी मतलब एक ही हेड है। अब वहां पे कुछ भी गड़बड़ होगा ना तो क्लाइंट आके बोलेगा अरे देखिए क्या हुआ। जैसे मेरे बैलेंस शीट में मैंने आपको बोला ना, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा, हम लोग सब रिटर्न फाइल कर दिया, 1 रुपए का डिफरेंस अराउंडिंग ऑफ में। तो अब हम जाके अगर अपने सीए फर्म में बोले क्या किया भैया आपने, सीए फर्म में बैलेंस शीट टैली नहीं हुआ, आप लोग इतना सीए का रिटर्न लगा रहे हैं, खुद सीए हैं, तो क्या बोलेंगे? अरे मत पूछ सतीश भाई, ये सब जो आजकल का आर्टिकल है, आजकल का जो ये पेड स्टाफ है, ये लोग का फोकस ही नहीं है, बेसिक चीज हिला भाई, ये लोग को क्या सिखाएगा, ये लोग लेजी है, ये लोग केयरलेसनेस इतना ज्यादा करता है, करप्टेड माइंड है, ये लोग सीरियस लेता नहीं है, प्रोडक्टिविटी एकदम 0/0 चल रहा है, बड़ा बड़ा ज्ञान दे देंगे वही ट्रेडिशनल साइकोलॉजी। बट प्रॉब्लम कहाँ है? उन बच्चों में है कि प्रॉब्लम सिस्टम में है? देखिए आप अपने ऊपर दोष लेके कोई फायदा नहीं, आपके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है तो वही ट्रेडिशनल थिंकर्स। डेमिंग साहब एकदम क्लियर बोलते हैं, हाउएवर डेमिंग पॉइंटेड आउट दैट ओनली 15% ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली ड्यू टू वर्कर एरर, द रिमेनिंग 85% आर कॉज बाई प्रोसेसेस एंड सिस्टम इंक्लूडिंग पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट मतलब रिव्यू व्यू हुआ होता तो ऐसा एरर नहीं होता, उन्होंने जो भेजा वो सीधा मेरे पास आ गया, हमने भी सीधा रिटर्न लगा दे कि भाई ऑफिस से आया तो भाई सही होगा, अपने को क्या देखने का है, करेक्ट। तो ये बेसिकली डेमिंग का कोर फिलोसॉफी में आता है कि आप सिस्टम के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, प्रोसेस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, ना कि वर्कफोर्स का लेजीनेस और प्रोडक्टिविटी के ऊपर। इन्होंने क्वालिटी सिखाने के लिए 14 मेथड बताए, 14 फिलोसॉफी, उसको बोलते हैं डेमिंग्स 14-point methodology। ये आपको रटना पड़ेगा, 7-8 तो कभी भी याद रह जाएंगे बट 14 का 14 आपको याद होना चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, डेमिंग्स 14-point methodology। डेमिंग 14-point methodology। देखिए मैं हिंदी में लिखता जाता हूं, आप लोग जो बुक नहीं लाए हुए हैं वो लोग हिंदी में कॉपी में लिखते जाइए, मैं इंग्लिश को हिंदी करता जाऊंगा, सिंप्लीफाई करता जाऊंगा। जैसे पहला बात इन्होंने कहा, देखिए इनका 14-point methodology जो एग्जैक्ट है वो यहाँ पे छापा हुआ है, ठीक है,
ये बोल रहे क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट, रिप्लेस शॉर्ट टर्म रिएक्शन विथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग. तो पहला इन्होंने बोला कि कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस होना चाहिए एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको रखना पड़ेगा. आपके उद्देश्य जो हैं वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए और लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचिए. नंबर टू इनका कहना है नया चीज जो आप बनाते हो, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, समझ लीजिए हमने बनाया एसजीसी के लिए एक टी शर्ट फॉर एग्जांपल. वो जमाना गया कि आप यूनिफॉर्म बना के पहले एम्प्लॉय को देंगे और अपने आएंगे अलग कैजुअल में. वो जमाना गया, कोई नहीं पहनेगा. बिफोर गिविंग द न्यू थिंग्स टू वर्कर्स मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट इट. होता है ना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, इट्स द सेम थिंग. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. पहले मैनेजमेंट करेगा तो उसका देखा देखिए एम्प्लॉय ठीक करेगा. आजकल सब जितने भी नए मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है आप देखेंगे उसमें ये सब स्टार्टअप्स वाले, तो स्पेसिफिकली उसके सारे एम्प्लॉयज एक जैसे ही टी शर्ट्स पहनते हैं या शर्ट्स पहनते हैं. तो उसका सीईओ भी है वो भी सेम पहना हुआ है, कोई अलग नहीं. ये बहुत जरूरी है. एक और इंटरेस्टिंग, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एम्प्लॉय ज्यादा खुसूर फुसूर ना करे, करते हैं ना, एक्सपेक्ट करते हैं ना ज्यादा आपस में केबिन में खुसूर फुसूर ना करे, सब ट्रांसपेरेंटली बात करे, अपना जो बात करे खुल्लम खुल्ला करे, छुप छुप के ना करे. तो फिर बॉस क्यों छुप छुप के बात करते, वो क्यों प्राइवेट चेंबर में अलग से बैठते. तो ये कल्चर चेंज हो गया. गूगल ऑफिस का कॉन्सेप्ट में अब बॉस का भी जो जगह है वो एम्प्लॉय के बीच में ही है, सेम क्यूबिकल, मतलब वो सीईओ है बट क्यूबिकल उसका कोई डिफरेंट नहीं है. अगर प्राइवेट टॉक है तो प्राइवेट चेंबर सबके लिए बने हुए, वो वहां पे लाइन से छेड़ो प्राइवेट चेंबर बने हुए, जिसको जिसमें जाना है उसमें जाके प्राइवेट टॉक करिए, बाकी सब नॉन प्राइवेट है. तो कोई भी आके सीईओ को हाई बोल के जा सकता है, कोई भी आके देख सकता हो क्या कर रहा है, वो किससे मिल रहा है, वो बिजी है खाली है, जो वो कर रहा है सामने में. दैट्स डेमिंग्स फिलोसॉफी का अभी का वर्जन. देखे क्या ऐसा, सुने क्या, नहीं सुने. पेटीएम का ऑफिस गूगल करना, पेटीएम ऑफिस, विजय शेखर शर्मा जो उसका ओनर है उसका ऑफिस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया गया कि पेटीएम का ऑफिस में अंदर वो कैसे बैठते करते हैं, उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री था. तो वो लोग दिखा रहे हैं पेटीएम में विजय शेखर शर्मा मालिक होने के बावजूद उनका जो क्यूबिकल है एकदम ओपन है, जैसे इसके बगल में कोई और है उसके बगल में कोई और है. मार्क जुकरबर्ग का क्यूबिकल के बारे में सर्च करना, वो दिखा रहा है उसमें वीडियो में फेसबुक में, वो जहां बैठता है इट इज नो सेपरेट प्लेस, मतलब ही सिट्स लाइक अ नॉर्मल एम्प्लॉय. एंड वेन एवर एनी प्राइवेट मीटिंग हैज टू बी देयर देन दे हैव मीटिंग रूम्स सेपरेटली वेयर एनीवन कैन गो एंड सिट एंड डू प्राइवेट मीटिंग एंड कम बैक. That's what new philosophy is all about. So adopt the new philosophy में यहां पे बोला जा रहा है management पहले नया करें, नया adopt करें. ठीक है. Third, कि जो पहले था क्वालिटी के ऊपर हम लोग काम करते थे कि यहां पे कुछ गड़बड़ हो गया तो चेक कर लो, चेक करके फिर कस्टमर को डिलीवर करो. द मेथडोलॉजी वॉज इंस्पेक्शन करो फिर डिलीवर करो. इंस्पेक्शन करना तो चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट ये बोल रहे हैं कि आपको इस तरह से अपना प्रोसेस इंप्रूवमेंट करना है कि आपको इंस्पेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होना है. इंस्पेक्शन पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि जो फर्स्ट टाइम दे दिया गया वही परफेक्ट है. सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन को हटाओ बाय रिड्यूसिंग वेरिएशंस. कि वेरिएशंस क्यों आ रहे हैं इसको सर्च करके आप इंस्पेक्शंस को हटाओ. इंस्पेक्शन का प्रोसेस को ही हटाओ, इंस्पेक्शन होना ही नहीं चाहिए.
देन सिंगल सप्लायर फॉर वन आइटम, इससे वेरिएशन कम होता है. सिंगल सप्लायर फॉर वन आइटम. आपको ये चीज बताते हैं, मैंने तो ये अभी आपको बताया था कुछ दिन पहले, अभी पिछले दूसरे क्लास में. हाँ, पेन ड्राइव का एग्जांपल मैंने दिया था आपको. हम लोग सस्ता के चक्कर में दूसरा सप्लायर चेंज मारे, इतने दुखी हुए आपको बता नहीं सकते कि समझ लीजिए 25-30 हजार रुपए का क्लियर लॉस हुआ. क्लियर लॉस. स्टूडेंट्स भी दुखी हुए. दैट अल्टीमेटली वी कंक्लूडेड दैट नो, वी शुड हैव वन सप्लायर. और अभी भी जैसे आप लोग का बुक वगैरह प्रिंट होता है ना एसजीसी में, एकदम क्लियर वन सप्लायर. बहुत सारे लोग आते हैं, सर मेरा क्वालिटी देखिए, ऑफर देते रहते, फोन नहीं उठा पाते उनका. उनको बोल दिया नहीं, वो लोग बोलते हैं नहीं सर एक चांस दे दीजिए, एक चांस दे दीजिए. क्यों दें आपको चांस? जब मैं दुखी हो जाऊंगा उनसे तब सोचूंगा ना. आई शुड हैव सिंगल सप्लायर. मैं दूसरों में जाऊंगा तो वो मेरी भाषा समझ नहीं पाएगा, मेरे रिक्वायरमेंट नहीं समझ पाएगा, फिर वो एरर करेगा, उसको सेट होने में टाइम लगेगा. पहला वाला सेट है, चलने दीजिए. जब वो अपना क्वालिटी वो लूज करेगा तब हम लोग चेंज करने का सोचेंगे. जल्दी से स्विच मत करो, एक जगह कांस्टेंट होके रहो. भले ही वो प्रीमियम लेता होगा थोड़ा सा तो दे दो, क्योंकि उससे आपका वेरिएशन कम होता है, आपका इंस्पेक्शन का टेंशन कम रहता है. वो जो लेके आया उसको ये बोला हुआ रहना चाहिए कि भाई आप जो दीजिए परफेक्ट दीजिए, क्योंकि आपसे जब काम होता है तो प्रीमियम पे काम होता है. तो फिर हम लोग फिर बैठ के यहाँ पे चेक करें, फिर रिटर्न्स करें, वो सब हमसे नहीं होगा. तो करेगा, वो जानता है मैं प्रीमियम भी मिलता है तो वो सब भी वो करेगा. ओके, तो सिंगल सप्लायर फॉर वन आइटम. देन कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट आपको हमेशा करना है. फिर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब. इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग मतलब क्या होता है? अच्छा, इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग मतलब ये नहीं कि इंस्टीट्यूट में भेज के ट्रेनिंग देना है. भेजना कहीं नहीं है. इंस्टीट्यूट करना मतलब होता है, वर्ड इंस्टीट्यूट एक वर्ब भी है, वो इंस्टीट्यूट एक नाउन है. जैसे एसजीसी इंस्टीट्यूट इज अ नाउन, वर्ड इंस्टीट्यूट एक वर्ब भी. इंस्टीट्यूटिंग ट्रेनिंग मींस आपके अंदर ट्रेनिंग को बैठाना. ट्रेनिंग ऑन द जॉब मींस जॉब करते वक्त ट्रेनिंग देते रहना. ओके, इंस्टीट्यूट करना मतलब देना, आप ऐसे सिंपल सकते हैं. इम्पार्ट करना, इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन द जॉब. पहले ट्रेनिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, अब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट होना चाहिए. आप लोग बैठ के डिस्कशन करिए, आप लोग एक दूसरे को समझाइए. ओके, सो इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब मींस ट्रेनिंग दिया जाए. सीधा सा बात, बिना ट्रेनिंग के कभी भी क्वालिटी आ नहीं सकती. हम लोग सोचते हैं कि हिस्टोरिकली क्या सोचा जाता है पता है, सीख जाएगा, देख देख के सीख जाएगा, आज नहीं कल सीख जाएगा, पहला बार गलती करेगा दूसरा बार सीख जाएगा, संभाल लेंगे. ये साइकोलॉजी नहीं चलता है. इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब. पीडब्ल्यूसी ने एक बार क्या किया था, यू नो हमारे टाइम की बात है, आज से 10 साल पहले की बात हो गई है. तो जब हमारा आर्टिकलशिप हायरिंग वहां पे हो रहा था तो उन्होंने क्या किया था, एक आर्टिकलशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया था जिसमें जो इनको उन्होंने हायर किया, टॉली क्लब यहाँ पे है, नाम सुना होगा, उसमें 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें सिमुलेटेड एनवायरमेंट क्रिएट किया, बहुत सारा टेबल्स चेयर बैठा दिया, उस पे लाके लंबा लंबा फाइल्स रख दिया मोटा मोटा, और उसमें मॉक उनसे ऑडिटिंग करवा रहे थे. सोचो ये रिसीट वाउचर्स है, ये आपका पेमेंट वाउचर्स है, ये आपका बिल फाइल्स है, तो वाउचिंग कैसे करेंगे. फिर अलग अलग लेवल्स बना के सबका मॉक ट्रेनिंग करवा दिया. 7 दिन तक वो कैंपेनिंग चला, उसके बाद सबको अपने अपने क्लाइंट अलॉट कर दिए गए, जाइए अब काम करिए. यही ट्रेनिंग दिया जाए. और वहीं आपके फॉर्म में क्या हुआ होगा, पहले दिन ही पहुंचा, ये लो एड्रेस, यहाँ चले जाना, जाके ऑडिट करो. ऑडिट करो क्या करना है? अरे बस वहां पे एक जन मिलेगा उसे बात कर लेना. बस सर कोई सीनियर साथ में जाता तो ठीक रहता. कोई सीनियर नहीं जाएगा, अकेले जाओ. करेंगे क्या वो, मेरे से मत पूछो, जाओ यहां से. कोई ऑफिस में था भी नहीं, लास्ट में एड्रेस लेके चले गए. वहां जाके पहला दिन तो वो समझ रहा है कि उसको सब आपको सब आता है. वहां पहुंचे तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ आता है और आप पता आपको तो कुछ नहीं आता.
तो क्या करे, तो भाई थोड़ा तो उस दिन नाश्ता पानी कर लेते हैं और उस दिन जो वो समझाता है वही सुन के आ जाते हैं। तो अगला दिन फिर किसी तरह से जुगाड़ उगाड़ करके दोस्तों से समझ के फिर वापस कुछ बुद्धि लगा के करके आते हैं। ऐसे करके 2 दिन का काम 10 दिन में करते हैं। करेक्ट। तो हुआ क्या, कहीं ना कहीं मैन आवर्स तो लॉस्ट हुआ ही ना, प्रोडक्टिविटी तो लॉस्ट हुआ ही। यही हल्का सा ट्रेनिंग दे दिया जाए कि ये करना चाहिए, 15 मिनट आधा घंटा भी बता दिया जाए, तो नेक्स्ट डे यू आर मोर कॉन्फिडेंट। सीधी सी बात है। उसी तरह से नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट लीडरशिप, मतलब वही इंस्टीट्यूट मतलब लीडरशिप सिखाया जाए। इंस्टीट्यूट लीडरशिप मतलब लीडरशिप सिखाया जाए, मतलब ये नहीं कि आप खाली कमांड दे दीजिए और वो करके आएगा। उनको ये बोला जाए एम्प्लॉय को कि आप जाओ और लीड करो, आप जाओ और लीड करो, आपको जरूरत पड़े वहां पे तो आप फोन करना, फिर हम लोग यहां से और आपको मैन फोर्स भेजेंगे। आपको लीडर के तरह जाना, आप ये समझ के जाइए कि आप चार्टर्ड बन चुके हैं, ऐसा करके आप ये समझ के चलिए कि आपको इस काम का मैनेजर बना दिया गया। तो आप किसी कोटा सिस्टम को फॉलो मत करिए, आप ये सोच के चलिए कि आपको सबको लेके चलना है, आप ही इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लीडर हैं, आप जो बोलेंगे वही होगा। और आप लीडर और सुपरवाइजर, दो कैटेगरी होता है। सुपरवाइजर क्या करता है ना, जबरदस्ती पुश करता है, ये करो ये करो ये करो, ये करना ही होगा, कोटा कंप्लीट करवाता है। और लीडर है ना एम्पैथेटिक होता है, एम्पैथेटिक मतलब समझते हैं, उसके फुट स्टेप में उतर के सोचता है, और अगर उसको दिक्कतें हो रही है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, देन सबको साथ में लेके आगे जाता है। समझ गए, लीडर और सुपरवाइजर में फर्क हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, तो एक जन आगे बढ़ गया, अब दूसरा पीछे वाला थक गया, तो आगे वाला चिल्ला चिल्ली कर रहा है, चलो चलो चलो, तुम लोग ये नहीं समझ रहा, तुम लोग वो नहीं समझ रहा, ये वो, तुम लोग आना होगा, ये वो करना होगा, ऐसे नहीं। और लीडर क्या करता है, वहां जाता है, उसको हाथ देता है, सपोर्ट देता है, चल मेरे साथ अब आगे चल, उसको लेके चलता है, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले खोजता है और फिर उसमें भी जान भर देता है और उसको लेके चलता है, दैट इज लीडर। और अगर उसमें उसको तकलीफ हो रही है तो उसको मोटिवेट करता है कि थोड़ा सा और जाने से हमारा पूरा काम ही हो जाएगा, फिर हम लोग ऐसे ऐसे कर लेंगे। मतलब वो पुश नहीं करता, वो अपने आप समझिए ऐसा इंस्पिरेशन भर देगा कि वो अपने आप आगे जाना शुरू कर देंगे। सो लीडरशिप एम्प्लॉयज को सिखाया जाए। जनरली मैनेजमेंट यूज टू बी लीडर्स, आप बोल रहे एम्प्लॉय में लीडरशिप आप इनकलकेट करिए कि वो एक काम को अपना काम समझ के करे और लीड करे, अगर उसको जरूरत पड़े तो हायरिंग भी करे, डिसीजन भी ले, जैसे कि एक लीडर लेता है, वो अपने अंडर के लोगों को मोटिवेट करके काम करवाए और काम को खत्म करवाए। फिर ड्राइव आउट फियर, मैनेजमेंट का डर भगाए। जनरली मैनेजमेंट से सब डरते हैं कि अरे ये आ गया क्या बोल देगा, वो क्या बोल देगा। मैनेजमेंट शुड बी अप्रोचेबल, मैनेजमेंट पार्टिसिपेटिव दिखना चाहिए, एम्प्लॉय को लेके चलो आप आपस में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में जो बैरियर है उसको हटाओ। ओके, सो इट इज लाइक ड्राइव आउट फियर, मतलब मैनेजमेंट का डर हटाइए, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स। जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट इन्होंने लाया कि पहले क्या होता था, डिपार्टमेंट में काम हुआ, से डिपार्टमेंट ए यानी प्रोसेस ए में काम हुआ, जिसको प्रोसेस बी में देना है, तो ए वाला बस काम करके बी को दे दिया। अब बी वाला अगर कोई प्रॉब्लम बताया ना कि अरे ए तुम क्या किया, ये ऐसे ऐसे, हमको मत बोलो, तुम आके कर लो, जैसा मेरे को मिला हम बना के दे दिया, जाओ मैनेजर को बोलो। ये सब पहले बहुत होता था, आज भी जगह जगह दिखता ही है, जमाना बहुत आगे बढ़ गया, बट इंसिडेंट्स ये सब आज भी दिखने को मिलते हैं, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन आज भी एग्जिस्ट करते हैं। बट यहाँ पे डेमिंग क्या सिखा रहे हैं, आप ये सोचिए कि डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में भी रिश्ता एक कस्टमर का होना चाहिए। वो डिपार्टमेंट बी इज नॉट एक्सटर्नल कस्टमर, इट इज इंटरनल कस्टमर, तो तुम्हें उसको भी सेटिस्फाई करना है, उसका जरूरत को समझ के ए में प्रोसेसिंग करना है। ए को यह पता होना चाहिए बी को क्या जरूरत पड़ता है, फिर बी आके टोकेगा, बी को प्रॉब्लम होगा, बी की जरूरत के हिसाब से ए प्रोसेस करे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल कस्टमर,
डिपार्टमेंट्स आर इंटरनल कस्टमर्स. डिपार्टमेंट्स आर इंटरनल कस्टमर्स मतलब जो ऊपर डेफिनेशन में हम लोग पढ़े थे ना कि आप कस्टमर फोकस होके क्वालिटी मैनेजमेंट करते हो, तो डिपार्टमेंट्स में भी इंटरनल कस्टमर देखें. तो एक डिपार्टमेंट ए जब डिपार्टमेंट बी को भेज रहा है तो ऐसा नहीं कि हम क्या करें गड़बड़ हो गया, तो डिपार्टमेंट बी का जरूरत के हिसाब से ए को प्रोसेस करना चाहिए. नेक्स्ट अनदर सेंट्रल टीक्यूएम आइडिया इज दैट इट्स नॉट पीपल हु मेक मिस्टेक्स, इट्स द प्रोसेस दैट मेक मिस्टेक्स, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. इट्स द प्रोसेस दे आर वर्किंग विद इन, मतलब दोष मिस्टेक्स लोगों से नहीं हो रहा है, मिस्टेक वर्कर्स से नहीं प्रोसेस में है. ये तो सेंट्रल थीम था ही मिस्टर डेमिंग का. अब ये एलिमिनेट स्लोगन्स बोल के क्या बोलना चाह रहे हैं? एक्चुअली स्लोगन मतलब नारा, नारा मन मतलब जो आप हमेशा बोलते थे उसको चेंज करी. स्लोगन मतलब यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं एलिमिनेट स्लोगन मतलब क्या चीज का स्लोगन. स्लोगन मतलब वही आपका ट्रेडिशनल नारा, जब गड़बड़ हो किसी और पे थोप दो. और हम लोग अपना सिस्टम का दोष स्वीकार करते नहीं, अलर्ट भी नहीं होते, हमेशा वर्कफोर्स को ब्लेम करके निकल जाते हैं. राइट, ओके. नेक्स्ट एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. ये मैनेजमेंट साइंस में भी पढ़ाया जाता था. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स होता है जिसमें मैनेजमेंट को प्रेशर किया जाता है कि आपको ये टारगेट अचीव करके दिखाना है, तो आपका सैलरी है, तो आपका इंसेंटिव्स है. ऑब्जेक्टिव दे दिया जाता है और फिर वो ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिल करना ही पड़ता है. इट्स लाइक मोर और लेस टारगेट बेस्ड मैनेजमेंट. उसको एलिमिनेट करना होगा क्योंकि वो टारगेट अचीव करने जाएगा तो क्वालिटी कभी नहीं अचीव कर सकेगा. एलिमिनेट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, इसमें बोल रहा है प्रोडक्शन टारगेट शुड बी रिमूव्ड, प्रोडक्शन टारगेट्स टू बी रिमूव्ड. और आपको कितना ऑब्वियस ऑब्वियस लग रहा होगा कि हाँ बात तो सही है, अगर यही करेंगे तभी क्वालिटी आएगा. देन ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, रिमूव बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप. मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है इसके ऊपर अलग से आर्टिकल्स मिल जाएंगे. प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप इज रिलेटेड टू वर्क सेटिस्फेक्शन. जैसे अगर आप मान लीजिए कहीं काम करते हैं और आपने वो काम अच्छे से किया ना, तो अपने आप एक सेटिस्फेक्शन आता है, ये मैं करके आ गया पूरा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सीए फर्म में आपको एक पर्टिकुलर बड़ा क्लाइंट का सारा काम दे दिया जाए कि आप ही को पूरा वाउचिंग वेरिफिकेशन पूरा उसका स्क्रूटनी करके रिकॉन्साइल करके ड्राफ्टिंग करके ऑडिट रिपोर्ट बनाना है, पूरा ए टू जेड सब कुछ आप ही को हाथ में हैंडओवर कर दिया जाए, तो उसका एक सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत यूनिक होता है. अगर वो सच में एक कॉम्पिटेंट क्लाइंट भी था जिसका काम में बहुत सारा ऊपर नीचे भी चीजें देखने को मिले, तो एक सेटिस्फैक्शन होता है. उस सेटिस्फैक्शन को बोलते हैं वर्कमैनशिप, इसको बोलते हैं प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप. मतलब वर्कमैन, वर्कमैन का शिप मतलब वर्कमैनशिप मीन्स वही काम करना को वर्कमैनशिप बोल रहे हैं. एंड उसका प्राइड होता है, अंदर में एक सुकून होता है, सेटिस्फैक्शन होता है कि मैंने इसको करके दिखाया. और जनरली क्या देखा गया है, ये सारा ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन में सारा क्रेडिट सुपरवाइजर ले जाता है या उसका मैनेजर ले जाता है. किसने किया उसका नाम सामने आता ही नहीं. तो इनका कहना है कि उस चीजों को खत्म मत करिए, प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप रहने दीजिए. एक एम्प्लॉय को सुकून मिलना चाहिए, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए कि उसने क्या काम किया. यहां पे एक स्टूडेंट था, मैंने एकदम स्टार्टिंग के क्लास में आप लोग को बताया था ये बात, डिलॉयट मेडिकलशिप करता था. तो वो एक बार आके अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा कि सर मैं टाटा स्टील का अकेले ऑडिट कर देता हूं. तो जब मैं और पूछा तो पता चला 52,000 करोड़ की कंपनी का अकेले ऑडिट करता हूं. सर तीसरा साल है मेरा, फर्स्ट ईयर भी मैं किसी दो दिन खाली एक सीनियर के साथ गया था, उसके बाद मैं संभाल लिया. तीसरा साल है मेरा डिलॉयट में आर्टिकलशिप का ही, और तीसरा साल में भी मैं अकेले ही ऑडिट कर रहा हूं. उनका ऑडिट रेमुनरेशन कुछ करोड़ में होगा, मुझे करोड़ नहीं मिलता, बट आई हैव
ट्रिमेंडस सेटिस्फेक्शन कि मेरे में एक कैपेबिलिटी है, मैं टाटा स्टील जैसी इतनी बड़ी कंपनी का अकेला ऑडिट करके आ रहा हूं। तो यही वर्कमैनशिप है, यही उसका प्राइड है, इसको जाने ना दिया जाए। ये सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स एम्प्लॉयज आप रखें, उसको फील कराएं कि आपने कितना अच्छा से किया। ओके, सो मेनी रिमूव बैरियर्स टू प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, मेनी ऑफ द अदर प्रॉब्लम्स आउटलाइन रिड्यूस वर्कर सेटिस्फेक्शन। वर्कमैनशिप इज, यू कैन राइट, ग्रेटिफाइंग सेंस ऑफ डूइंग गुड वर्क, सेंस ऑफ डूइंग गुड वर्क, अच्छा काम जो करे उसको ग्रेटिफाई जरूर करो। हम लोग इसको री इन्फोर्समेंट भी बोलते हैं, एक और वर्ड है, वी कॉल इट एज री इन्फोर्समेंट। नाउ व्हाट इज री इन्फोर्समेंट, आई हेल्प यू। जैसे आप लोग कभी कुछ सम सॉल्व करते हो ना, तो आप देखना जनरली आई ट्राई टू से वेरी गुड, क्या बात है, ये री इन्फोर्समेंट। ये आप जो दूसरे नहीं कर पाते उनके लिए उतना मैटर नहीं करता, बट जो कर लेता है ना उसको वेरी गुड दिमाग में सेट हो जाता है, उसको याद रहता है, सर एक बार तो मेरे को वेरी गुड बोले थे। आपको याद होगा बचपन में जब ड्राइंग बुक में कुछ पेंटिंग किया होता था ना, मैम टिक मार के वेरी गुड लिख देती थी, कितना सुकून मिलता था। दैट वॉज बेसिकली री इन्फोर्समेंट, कि कुछ अच्छा किया उसको री इन्फोर्स करो, सो दैट वो अगली बार उसको वापस करने की कोशिश करे। ये चीज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में मिसिंग होती है, अगर आप ये लाएंगे तो एम्प्लॉई ज्यादा मोटिवेटेड रहता है। देन इंस्टीट्यूट एडुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। नाउ एडुकेशन और ट्रेनिंग में फर्क क्या है? इंस्टीट्यूट एडुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट ऊपर में भी था, इंस्टीट्यूट एडुकेशन ट्रेनिंग, जल्दी सोचिए। ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू वर्क एंड एडुकेशन इज रिलेटेड टू जिंदगी, लाइफ, हाउ दे कैन लिव अ बेटर लाइफ, करेक्ट। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरी वन्स जॉब, एवरी वन तो बोलना ही था ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट मैनेजमेंट, एवरी वन जॉब है कि आप लोग परिवर्तन लाएं। भाई अकेला मैनेजमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, वही लास्ट में सबके साथ सबका विकास ही पॉसिबल है। अभी 14 पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, जिसमें 6-7 तो आप सुन के बोल सकते हैं, मैं तो आपको बोल रहा हूं 6-7 आप कभी भी बोल सकते हो, बट आपको 14 का 14 याद रखना है। पूछते पूछते हम शायद आप सेटल भी हो जाएंगे। हाँ देखें, अभी 6-7 याद आता है ऐसे ही सोची, एक तो अभी उल्टा ही चलाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन सबका काम है, एजुकेशन सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ट्रेनिंग होना चाहिए, लीडरशिप सिखाओ, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट है, डर हटाइए, खुद करिए, अडॉप्ट न्यू थिंग्स फर्स्ट इन मैनेजमेंट। हाँ वर्कमैनशिप का प्राइड को जाने न दीजिए, 8 हो गए। प्रोसेस का गलती, हम लोग का कोई गलती नहीं है, अपने लिए बोल रहा है, हम लोग का कोई गलती नहीं है, प्रोसेस का गलती है। ओके हाँ, इंस्पेक्शन का डिपेंडेंसी हटाइए, सिंगल सप्लायर टू रिड्यूस वेरिएशन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। 12 हो गया, पर्पस वाला तो वही लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आ गया। इंटर डिपार्टमेंट्स आर योर इंटरनल कस्टमर्स। हाँ मैनेजमेंट को पहला हो गया, हाँ लीडरशिप सिखा दिया हमने, प्रोडक्शन टारगेट शुड बी रिमूव्ड, ठीक है। अब क्या ये सब ऐसा भी है कि आपको थोड़ा सा लिख के करना पड़ेगा, और ये सब पॉइंट्स एग्जाम हॉल में जाने के पहले पहला दिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो छूट जाएंगे, ठीक। डेमिंग्स 14 पॉइंट्स, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ओके, देन आफ्टर दैट डेमिंग इसलिए भी पॉपुलर हुए कि कैसे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाया जाए, उसके लिए उन्होंने डेमिंग साइकिल बताया। डेमिंग साइकिल क्या बोलता है? PDCA साइकिल, प्लान डू चेक एक्ट, एंड इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल। प्लान मतलब आप बताएं आपको क्या क्या करना है, डू मतलब वो करके दिखाएं, चेक मतलब चेक करें कि कितना फायदा हुआ, और एक्ट मीन्स करेक्टिव एक्शन लेते रहें, और ये कंटिन्यूअस साइकिल है। एरो इंडिकेट करता है कि इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस।
ठीक। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर जगह में TQM मतलब बताया गया आपको डेमिंग और कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। जब मैंने क्लास में TQM पढ़ाया था तो मैंने सिक्स सिग्मा के बारे में पढ़ाया था। सिक्स सिग्मा यहां पे नहीं बता रहे लोग, ये लोग सिक्स सिग्मा आपको नेक्स्ट चैप्टर में सिखा रहे हैं। तो सिक्स सिग्मा TQM से कनेक्टेड है बट एक्चुअली उसको इन्होंने नेक्स्ट चैप्टर में पुटअप किया है। अब TQM की थोड़ी खामियां कुछ ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो कार्लजॉन, एल्ब्रेक्ट एंड एल्ब्रेक्ट एंड ज़ेमके तीन आदमी खुरापाती थे जो बोले कि TQM कोई निहाल नहीं करने वाला, आप लोग बहुत सारा चीज ओमिट करके जा रहे, TQM में कमियां हैं। क्या कमियां हैं इसमें? पहला तो क्रिटिसिज्म दिया गया कि ज्यादा यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन पे काम नहीं किया गया। तो मैं हाथ से लिख रहा हूं नो डॉक्यूमेंटेशन। ज्यादा इम्फेसिस दिया गया है क्वालिटी लाने पे, ना कि इम्फेसिस ऑन क्वालिटी अश्योरेंस, मतलब क्वालिटी आए रादर देन इम्प्रूवमेंट, रादर इम्प्रूवमेंट नॉट ऑन इम्प्रूवमेंट। जैसे इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए, अभी आप देखिए डेमिंग की बात क्या थी, सिस्टम का दोष है वर्कर का नहीं, समझ गए? तो सिस्टम सुधारा कैसे जाए उसका तो सोल्यूशन नहीं दिया आपने। प्रोसेस कैसे सुधारे उसका सोल्यूशन कहाँ है? हाउ टू इम्प्रूव द प्रोसेस, व्हाट टू डू विद द प्रोसेस, नो सोल्यूशन। तो द मोर फोकस वॉज कि इंस्पेक्शन पे डिपेंडेंट मत हो, ठीक बात है, बट बिना इंस्पेक्शन पे डिपेंडेंट हुए काम करे कैसे, रास्ते नहीं बताए ठीक से। और इंटरनल फोकस ज्यादा था, कस्टमर ओरिएंटेशन कम था, लेस कस्टमर ओरिएंटेशन। हालांकि ऑब्जेक्टिव में इन्होंने लिखा था कस्टमर फोकस, कस्टमर नीड, बट अगर आप डेमिंग फिलोसॉफीज को ठीक से सोचें तो कस्टमर कहां इन्वॉल्व था बताइए? सारी बातों में तो अंदर अंदर की बातें चल रही थी, मोर इंटरनल फोकस थे यहां पर। कस्टमर से मिलके बात करना, सर्वे करना, उनकी जरूरतों को पढ़ना, वो सब के बारे में कोई पॉइंट रेज नहीं किया गया। तो कार्लजॉन ने इसका सोल्यूशन अपने तरफ से दिया कि देयर शुड बी कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इंस्टेड ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ही केम अप विद द आइडिया ऑफ यू सी टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, यहां पर दिख रहा है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। कार्लजॉन सजेस्टेड टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट टू सर्व कस्टमर्स, मतलब एम्प्लॉय को जागरूक करो और कस्टमर्स तक पहुंचाओ, उनकी जरूरतों को वो पहचाने और उसको वर्कआउट करें। ही केम अप विद दिस सॉल्यूशन कि यू हैव टू एम्पावर योर एम्प्लॉयज मोर सो दैट दे कैन रीच देयर कस्टमर्स। एम्प्लॉयज को फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। जैसे आप मान लीजिए टाटा स्टील को थोड़ी देखे हैं आप, टाटा स्टील में रतन टाटा जी को विजुअलाइज कर लेते हैं, करेक्ट? वो फेस हो गए, फेस फॉर पब्लिक हो गए, बट अभी रतन टाटा जी इन्वॉल्व ही नहीं है टाटा स्टील में। तो आप टाटा स्टील मतलब किसको देखते हो? उसके कोई एम्प्लॉय मिल जाएंगे तो आप उसी को समझेंगे यही टाटा स्टील है भाई। तो एम्प्लॉयज आर द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉयज को आप एम्पावर करिए कि वो कस्टमर नीड को समझे और रिजॉल्व करे, उसी के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए। एंड देन एल्ब्रेक्ट सजेस्टेड एक नया कॉन्सेप्ट, ही केम अप विथ टोटल क्वालिटी सर्विस, सजेस्टेड टोटल क्वालिटी सर्विस। एंड ही वॉज मोर कीन की टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सर्विस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बता रहा है, ज्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहा है। तो फॉर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज देयर शुड बी टोटल क्वालिटी सर्विस फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज। पहला लाइन में लिखा है सजेस्टेड दैट TQM मे नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज बिकॉज स्टैंडर्ड्स बेस्ड अप्रोच, इंडस्ट्री बेस्ड प्रैक्टिस इग्नोर द कल्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल। ये सब टोटल क्वालिटी सर्विस के बारे में इम्फेसिस दिया गया। देखिए पहले था क्रिटिसिज्म बता दिया, आजकल क्या है अभी नया सिस्टम, क्रिटिसिज्म के बाद रेकमेंड करो, तो आप बताओ क्या होना चाहिए। तो कार्लजॉन ने यहां पे रेकमेंड किया है टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, उनको कस्टमर नीड को समझने भेजा जाए
और उनको एम्पावर किया जाए. एंड दूसरा हमारा ये एल्ब्रेक्ट क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आप लोग ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड थे, अब आप सर्विस ओरिएंटेड सोचो, तो टोटल क्वालिटी सर्विस लॉन्च करो जिससे सर्विस इंडस्ट्रीज का भी फायदा हो. ठीक, फिर कंक्लूजन में बस यही बता रहा है कि टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट TQM इमेंस एफर्ट, टाइम, करेज, पेशेंस इज रिक्वायर्ड. सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TQM रिजल्ट्स इन इम्प्रूव्ड क्वालिटी अक्रॉस ऑल मेजर प्रोसेसेस एंड डिपार्टमेंट्स, हायर कस्टमर रिटेंशन, हायर रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इम्प्रूव्ड सेल्स एंड ग्लोबल ब्रांड रिकॉग्निशन होगा ही होगा. While TQM shares much in common with Six Sigma improvement process, it is not the same as Six Sigma. TQM focuses on process improvements while Six Sigma looks to reduce defect. ये लाइन मुझे तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, ये सब कॉपी पेस्ट किया हुआ है. देखिए इंस्टीट्यूट ने भी, सी इंस्टीट्यूट ने भी कोई सब क्रिएट नहीं किया ये सब लाइन. ये सब आप गूगल करोगे ना TQM पे, विकीपीडिया का एक एक लाइन कॉपी पेस्ट है, एक एक लाइन विकीपीडिया से कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, खाली सेंटेंस वो चेंज किया हुआ है. सेंटेंस मतलब जहां फुल स्टॉप नहीं है वहां कॉमा था या फुल स्टॉप मार दिया. तो मैं कई जगह आपको दिखा दूंगा बाद में कि लोग कैसे कॉपी पेस्ट मारे. तो कई जगह कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं. जैसे ये मुझे समझ में कम आता है कि TQM आप में आप बोल रहे हैं कि आप प्रोसेस इंप्रूवमेंट करें, सिक्स सिग्मा में आप डिफेक्ट रिड्यूस करें. द फैक्ट इज सिक्स सिग्मा में डिफेक्ट रिड्यूस करने का जो जरिया था वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट ही था. तो बोलते TQM पाने के लिए सिक्स सिग्मा करना जरूरी है. जैसे TQM का सबसे प्रथम ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बताया था, वेस्ट इरेडिकेशन. वेस्ट इरेडिकेशन कैसे होगा, सिक्स सिग्मा लेवल पे जाना होगा. तो सिक्स सिग्मा बेसिकली एक आइडिया दे रहा था कि आपको डिफेक्ट जीरो करना है. ठीक, और वो कैसे करना है, वो प्रोसेस इंप्रूवमेंट ही था वहां पर भी, वहां पे कुछ नया नहीं था. तो ये जो लाइन है ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन है, बट एनीवेज लिखा है तो आपने मान लिए कि ठीक है. चलो टाटा स्टील के बारे में बता रहे हैं ये लोग. टाटा स्टील बहुत एग्रेसिवली इंडिया में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे काम किया एंड इनको डेमिंग प्राइज मिला हुआ है जापान में, डेमिंग प्राइज. ओके, टाटा स्टील ने इस चैप्टर में जितने भी फिलोसॉफीज बताए गए हैं वो सब सबसे पहले इंडिया में इंप्लीमेंट किए. और आज टाटा स्टील लो कॉस्ट पे सबसे बेस्ट प्रोडक्ट इसी रीजन से दे पा रहा है शायद. इसके बारे में कहानी बताई गई. जनरल मोटर एंड जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी एंड मोटोरोला आर एक्चुअली पायनियर्स ऑफ सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा एप्लीकेशन के लिए इनका नाम बताया जाता है. मोटोरोला ने सिक्स सिग्मा कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, जनरल इलेक्ट्रिक ने उसे अप्लाई करा तो लोगों को विश्वास आया कि हाँ ये ऐसा नहीं कि वो मोटोरोला के लिए ही था, वो किसी के लिए भी हो सकता है. तो ये सिक्स सिग्मा से जुड़े हुए हैं कि हमें बस डिफेक्ट एकदम जीरो जैसा रखना है, विच वॉज काउंटेड एज 4 डिफेक्ट्स पर मिलियन. एक मिलियन में 4 से ज्यादा डिफेक्ट नहीं आनी चाहिए. तो वो बेंचमार्क जो उन्होंने सेट किया और उसके लिए जो जो किया वही यहाँ पे डिस्कस्ड है. ये हमने क्लास में भी आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में पढ़ाया है. मोटोरोला को एक अवार्ड मिला था, मैलकॉम बाल्ड्रिज नेशनल अवार्ड. ये अवार्ड US ने क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए या बेस्ट क्वालिटी के लिए देना शुरू किया था. आज भी ये अवार्ड दिया जाता है, आज भी दिया जाता है. जैसे जापान ने डेमिंग प्राइज देना शुरू किया, वैसे यहां पर US में मैलकॉम बाल्ड्रिज नेशनल अवार्ड दिया जाने लगा. तो मोटोरोला वॉज द फर्स्ट कंपनी टू बैक दैट अवार्ड. उसके बाद लोग भी अग्रेसिव होने लगे कि क्वालिटी के लिए हम भी एक लेवल अचीव करके देखें और मैलकॉम बाल्ड्रिज अवार्ड पाए. ठीक, यहां तक टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ओवर हुआ. TQM समझिए, आप ऐसा समझिए कि TQM बहुत बड़ा काम है जिसके अंदर सिक्स सिग्मा भी आ गया, जिसके अंदर डेमिंग साइकिल भी आ गया, जिसके अंदर 6C भी आ गया, जिसके अंदर डेमिंग का 14 पॉइंट्स आ गया TQM के अंदर. इसलिए मैंने आपको देखिए जो फर्स्ट क्लास में वो टेबुलेशन दिया था उसमें क्या क्या बताया TQM के अंदर क्या क्या आएगा. बेसिक्स 6C आ गया,
उसी में डेमिंग का साइकिल और 14 पॉइंट्स आ गया, एंड उसी में सिक्स सिग्मा मैंने यहाँ इंक्लूड इसलिए नहीं किया था क्योंकि इसके बारे में ये मैट डिस्कस यहाँ पे किया नहीं है. सिक्स सिग्मा का डिस्कशन इस मैट ने अलग चैप्टर में किया. अब हमारे क्लास के मैट में आप जाओगे तो सिक्स सिग्मा हैज बीन डिस्कस विद इन TQM एंड एक्चुअली इट इज कनेक्टेड देयर. अगर मैंने सिक्स सिग्मा पे बहुत सारे नॉवेल पढ़े, मेरे पास आज भी पढ़े, आपको भी पढ़ने का दिल करता हो तो ले लीजिएगा. वो सिक्स सिग्मा जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि TQM का जब हवा चला तो सिक्स सिग्मा की जो सोच थी वो TQM के सोच को कॉन्सोलिडेट करके दिखाया. TQM बोल रहा है सबको लेके चलो, बट क्या करने चले तो करना क्या है, सिक्स सिग्मा. सिक्स सिग्मा मतलब जीरो डिफेक्ट लाना है, उसके लिए सबका साथ इस TQM. ओके, तो बेसिकली TQM में वही डेमिंग के पॉइंट्स आते हैं. पॉइंट्स क्या आते हैं कि भाई सबका साथ में, सबको लीडर बनाइए, ट्रेनिंग दीजिए, एजुकेशन दीजिए, प्रोसेस को सुधारिए, ये सारे पॉइंट्स को लेके टोटल क्वालिटी को बनाया गया. ठीक है नाउ दोस्तों, अब आते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पे. इट इज 2C बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल. ये एक नया पोर्शन आपके सिलेबस में भी डाला गया है. ये इनफैक्ट किसी सिलेबस में नहीं है एक्सेप्ट सीमा. सीमा के सिलेबस में था, उसके बाद अभी आपके सिलेबस में ही. आप इंडिया में पहले हो कि आप पढ़ रहे हो इन प्रोफेशनल एग्जाम. MBA में भले ही पढ़ाया जाता हो, हाँ MBA के सेमेस्टर में भले ही पढ़ाया जाता हो, बट ये आपको मौका मिल रहा है कि ये सब पढ़ाई के बारे में आप अपने CA लेवल में सीख पाए. एक्सेलेंस, एक्सेलेंस वर्ड सबसे अच्छा समझा के तो हमारे बाबा रणछोड़ दास ही गए थे. हाँ जी, बहुत अच्छी बात है कि एक्सेलेंस मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं ना. एक चीज आपको आज बता देते हैं, अगर जिंदगी में सिर्फ रोटी खाना है ना, दो टाइम का रोटी खाना है, दाल रोटी चाहिए, जो बेसिक कपड़ा, और आजकल बेसिक में मोबाइल आ गया, लैपटॉप आ गया. हाँ जी, जो बेसिक ही करना है, साल में एक फैमिली ट्रिप, ये बेसिक है. घर में, शहर में रहते तो घर में गाड़ी, इट्स बेसिक, इट्स नॉट लग्जरी, इट्स बेसिक. और बेसिक ही चाहिए ना, तो जो आप कर रहे हो सब आज बंद कर दीजिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए. जमाना इतना तरक्की कर गया है कि अपने सर्कमस्टेंस के अकॉर्डिंग आप बेसिक पा जाओगे. मत दीजिए CAVA तो भी हो जाएगा, बेसिक पा जाओगे. एंड आई विल से बेसिक का डेफिनेशन थोड़ा सा आजकल एक्सटेंड हो गया. पहले था रोटी कपड़ा मकान, अब बेसिक में स्मार्टफोन भी आ गया, अब बेसिक में लैपटॉप आ गया, अब बेसिक में गाड़ी भी आ गया, जाइए. अब बेसिक में हल्का फुल्का ब्रांडेड क्लोथ्स भी आ गया, अब बेसिक में साल का एक फैमिली ट्रिप भी आ गया, ये सब बेसिक है. महीने में एक बार सबको लेके अगर रेस्टोरेंट जाना है, वो भी बेसिक में आ गया. नथिंग न्यू, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा. इफ यू आर एबल टू लिव अप टू दैट लेवल, इट्स बेसिक. सो फॉर बेसिक आई एम टेलिंग यू, आवर एनवायरमेंट इज नाउ सच अ पॉजिटिव एनवायरमेंट दैट यू डोंट डू एनीथिंग, देन ऑल्सो यू कैन गेट दोज बेसिक्स. एंड यू विल सी पीपल अराउंड यू हु आर इन टू बेसिक्स विदाउट हैविंग मच एजुकेशन, विदाउट हैविंग एनी स्पेशल स्किल्स, दे आर लिविंग विद देयर बेसिक्स. तो बेसिक से जीना है तो सब चीज बंद कर दीजिए. बट अगर बेसिक से ऊपर उठना है तो यू हैव टू डू सेवरल एक्स्ट्रा थिंग्स. बेसिक से ऊपर उठना ही एक्सेलेंस कहलाता है. जैसे आप लोग क्लास कर रहे हो ना, सुबह सुबह उठ के आ जाते हो, कमिटमेंट देते हो, ये बेसिक है. आप बोलते हो नहीं ये लग्जरी है, हम तो बहुत कर रहे हैं, नहीं ये बेसिक है. सीरियसली बता रहे, ये बेसिक है. आप फिर ऑफिस चले जाते हो, टाइम पे पहुंच जाते हो, वहां पे जो काम बोलता है आप ड्यूटी से निभा देते हो, शाम को अपना निकल जाते हो, बेसिक कर रहा आप, तो आपको बेसिक रिटर्न्स ही मिलने वाले हैं. सीधे से बात, हम लोग एक्सपेक्ट तो ऊंचा ऊंचा करते हैं, बट किया हमसे ऊंचा वाला जाता नहीं. अगर
बेसिक पे ही जीना है तो वट एवर यू आर यू लिव इट। आप सब कुछ सोचना फ्यूचर के लिए छोड़िए, जैसा है वैसा रहने दीजिए, बेसिक आपको मिलेगा। बट टू गेट योर सेल्फ एलिवेटेड यू हैव टू डू लॉट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स, एंड दैट इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन wants to create its reputation across the world, it has to do one thing in best way, which no one can imitate. And for that, it might have to give its all its resources. So ho sakta, it might have to give up all its resources. Jaan laga diya. And wo duniya wale jo basic mein jee rahe hote hain na, wo khali unko dekh ke tilmilate rehte hain. क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या होगा इससे, क्या होगा, वो अपना ओपिनियन बनाते रहते। बट जो वो कर लेते हैं वो उनको रोल मॉडल मान लेते हैं, हमको भी ऐसा करवा दो कोई। बट वो कभी वो करते नहीं, बहुत कम ही होते जो बेसिक से निकल के वो लीडर के रोल पे आते। और लीडर कौन होता है? जो बेसिक से ऊपर उठता है, जो एक्स्ट्रा करता है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को भी ऐसा सीखना पड़ेगा कि आप बेसिक में नहीं रहेंगे, आपको भाई रोज रोज का चीजों से बाहर निकलना है, नॉर्मल रूटीन से बाहर निकलना है, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा कुछ करने हैं जो आप पहले कभी नहीं करते थे। उसको करिए और दुनिया के लिए एक लीडर, एक रोल मॉडल साबित होइए। तब बोला जाता है कि आप एक्सेलेंस परस्यू कर रहे हो। व्हाट यू आर परस्यूइंग इज एक्सेलेंस। I am trying to do this thing in the bestest way which no one else can do. अब वो कैसे होगा? That you have to find it out. We are lucky that उसके ऊपर पढ़ाई है, मतलब उसके पीछे रिसर्च हो चुका है। अगर आप उसके directions को ले लेंगे तो you might be able to do that. And obviously all are in connection with an organization. जैसे मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक अलर्ट करने के लिए आपको, मेकिंग एंड्स मीट इज नॉट इनफ। दूसरा बुलेट आ रहा है, फाइंड सॉल्यूशंस टू एक्सीड नॉर्मल परफॉर्मेंसेस, देन यू बिकम अ लीडर, a role model. To be excellent, you have to do lot of things together. In a way that no one else can. Then you are thriving for excellence. कितना मोटिवेटिंग है। आप ऐसे खाली जीवन जी के निकल जाओगे तो कोई ना याद रखने वाला, कोई ना कुछ पूछने वाला। वो एक मूवी का डायलॉग आता ना, जिंदगी में कुछ ऐसा करके जाओ कि जिस भी गली से गुजरो लोग तुम्हें कहे अब्बा जान अब्बा जान, ऐसा कुछ डायलॉग था। एक वीडियो दिखाते हैं आपको। बाबा रणछोड़ दास का ही वीडियो है। इनसे बढ़िया एक्सेलेंस कौन सिखा सकता है? थोड़ा सा आपका माइंड को सूदिंग भी मिलेगा। ये क्या बोल रहे हैं? आपका वीडियो सुना हुआ भी हो बट मेरे साथ देखिए। नहीं हूं एजुकेशन के फील्ड से नहीं हूं, मैं एक कलाकार हूं, एक आर्टिस्ट, क्रिएटिव इंसान हूं, और आप लोग बेहतर जानते हैं एजुकेशन के बारे में। इतने साल से आप एजुकेशन चला रहे हैं। पिछले कुछ साल से मेरा अनुभव हुआ है, चूंकि मैंने कुछ फिल्में की हैं, एक फिल्म थी तारे जमी पर,
और अभी हाल ही में मेरी जो फिल्म आई है थ्री इडियट्स, ये दोनों फिल्में एजुकेशन के टॉपिक पर हैं, तो लिहाजा मैं इस वजह से मैंने काफी रिसर्च की एजुकेशन के ऊपर और कुछ चीजें मेरे सामने आई हैं और वो चीजें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आज यहां पेरेंट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं, बच्चे भी हैं, हो सकता है पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मेरे कुछ विचार हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा एजुकेशन से जो जिनका संबंध है। और वो ये कि सबसे पहले तो हर बच्चा खास होता है, ये मैंने डिस्कवर किया अपने रिसर्च में, हर बच्चा खास होता है। हर बच्चे में हमारी तरह, आपकी तरह और हमारी तरह, हर बच्चे में कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। मुझ में भी कमजोरी है, काबिलियत है, आप में भी कुछ ना कुछ काबिलियत और कमजोरी है, और हर बच्चे में कुछ ना कुछ कमजोरी और काबिलियत होती है। और हमें एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, एज एजुकेशन सिस्टम, हमें हर बच्चे की खासियत को पहचानना है, उसे मदद करनी है, उसकी उसकी क्या खासियत है, उसका क्या दिल चाहता है, उसे किस चीज में खुशी मिलती है, वो हमें उसको हेल्प करना है कि हम उसको वो ढूंढ सके, और उसमें हमें सपोर्ट करना है, और जो उसकी कमजोरी है उसमें हमें उसको सपोर्ट करना है। मुझे अक्सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मुझे बोलते हैं कि हम हमारे स्कूल में सारे बच्चे पास होते हैं, हमारे स्कूल में सारे बच्चे फर्स्ट आते हैं, या हम जो बोर्ड एग्जाम है उसमें हमारे सारे बच्चे पास होते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है कि हमारे कितने बच्चे खुश हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है, हाउ मेनी ऑफ आवर चिल्ड्रन आर हैप्पी। और वो जो हैप्पीनेस क्वोशेंट है ना, वो मेरे लिए सबसे अहम है, क्योंकि देखिए पढ़ाई लिखाई तो हम सीख ही लेते हैं। जब मुझे कोई चीज सीखनी होती है तो मैं कुछ ना कुछ करके सीख ही लेता हूं। हमारी फिल्म थ्री इडियट्स जब रिलीज होने वाली थी, रिलीज से पहले हमने कई स्क्रीनिंग्स रखे थे, टेस्ट स्क्रीनिंग जिसको हम कहते हैं, जिसमें कि हम ऑडियंस जैसे आप लोग हैं उनको बुलाते हैं, फिल्म दिखाते हैं, उनसे पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी। ऐसे एक टेस्ट स्क्रीनिंग हमने किया था बंबई में, एक फैक्ट्री में कारीगर लोग काम करते हैं, तो करीब 25-30 कारीगर आए थे उस स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग के बाद उनका एक कारीगर था, उसने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने मुझसे ये पूछा, आप लोगों ने फिल्म देखी है थ्री इडियट्स? उसमें उसने मुझे एक सवाल पूछा जो बहुत कमाल का सवाल था। उसने मुझे ये सवाल पूछा कि सर, पिक्चर के अंत में हमें पता लगता है कि आप तो रणछोड़दास थे ही नहीं, रैंचो तो थे ही नहीं आप, तो सर्टिफिकेट तो आपको मिला नहीं, वो तो जावेद जाफरी को मिल गया, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए? इतने बड़े पेटेंट्स, 400 पेटेंट्स, जापानी लोग आपके पीछे पड़े हैं, तो आपको सर्टिफिकेट तो मिला नहीं, तो आप इतने बड़े साइंटिस्ट कैसे बन गए? बहुत ही अहम सवाल है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जो मुद्दा है उसके हार्ट में जाता है ये, कि जब मैं एग्जाम के लिए रट के जवाब देता हूं और वो जवाब में मुझे नंबर मिलते हैं और मैं पास हो जाता हूं, तो मेरे हाथ में एक पर्चा आता है जो मुझे कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं, लेकिन वाकई में पढ़ा लिखा हूं या नहीं ये अभी तक हमको श्योर मालूम नहीं है। लेकिन जब आप नॉलेज चाहते हैं कि आपको मिले, विद्या मिले आपको, तो फिर वो कागज का मायने कुछ होता नहीं है। तो मैंने उसको जवाब में दो सवाल पूछे। मैंने बोला उसको कि भैया आपको क्या लगता है, मैं अच्छा एक्टर हूं? उसने बोला हाँ, देश भर में आप सब लोग मानते हैं आपको, आप अच्छे एक्टर हैं। मैंने उससे कहा कि भैया मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है जो कहता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं, मेरे पास कोई कागज नहीं है जो मुझे बोलता है कि मैं अच्छा एक्टर हूं। मैंने फिर उससे एक सवाल पूछा कि आप, मैंने सुना आप बहुत अच्छे कटर हैं, आपके जो बॉस मुझे बताते हैं कि आप उनके मेन कटर हैं और आपकी बड़ी इज्जत करते हैं वो, आपके पास कोई पर्चा है, सर्टिफिकेट है जो मुझे बताता है कि आप कटर हो? उसने बोला नहीं सर। तो मैंने बोला आपका जवाब आपको इधर ही मिल गया। एजुकेशन इज बियॉन्ड मार्क्स, एजुकेशन इज बियॉन्ड ग्रेड्स, एजुकेशन इज व्हाट यू लर्न। और मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान में हम एजुकेशन को इस नजरिए से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें, और शिक्षा हम खुशी से दें, क्योंकि शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं होता, शिक्षा में एक और चीज मिली हुई होती है, वो ये है कि हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं एज ह्यूमन बींग्स,
आगे चल के वो जिंदगी में अच्छे इंसान बने, आगे चल के वो अपने पैरों पे खड़े रह सकें, आगे चल के वो इज्जत की जिंदगी जी सकें, आगे चल के वो दूसरों के बारे में ध्यान रखें, आगे चल के वो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकें, आगे चल के वो किसी की मदद कर सकें। दिस इज व्हाट वी शुड डेवलप ऑफ आवर चिल्ड्रन। ये मेरी फीलिंग है, मैं जहां भी देखता हूं, ये मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं छोटा था, जब से हमारे बच्चे छोटे होते हैं, जब से बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा घर आता है, हम बच्चे को पूछते हैं, भाई मार्क्स कितने मिले, फर्स्ट आए कि सेकंड आए? वो बोलता है सेकंड। सेकंड आए तो अरे फर्स्ट नहीं आए, डांट पड़ती है उसको। जो बोलता है मैं टेंथ आया, तो उसकी तो हालत ही बुरी हो जाती है। बच्चे को लगता है यार ये फर्स्ट आना बड़ा जरूरी है। उसको रेस में हम पूछते हैं, तुम रेस में फर्स्ट आए कि सेकंड आए? में हम उसको बचपन से, जब से वो केजी, लोअर केजी में होता है, जब लोअर केजी में रेस होती है, चमचा मुंह में लगा के उसमें नींबू डाल के भागते हैं, उसमें भी हम बच्चे को पूछते हैं अरे मेरा बेटा फर्स्ट आएगा, ओ बेटा मेरा फर्स्ट आना, मतलब पेरेंट्स चिल्ला रहे हैं बेटा भागो, मतलब नींबू लेके भागो। तो उसमें होता क्या है कि बच्चे को लगता है कि यार ये टीचर्स भी यही सवाल उसको पूछते हैं आमतौर पर, मेरे साथ हुआ है। होता क्या है कि जब वो बच्चा 21 साल का होता है, तो वो बड़ा सेल्फिश हो जाता है, और उसको सेल्फिश हमने बनाया, हमारे सिस्टम ने बनाया। वो अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि यही हमने उसको ट्रेन किया बचपन से। बचपन से हमने उसको यही ट्रेन किया कि बेटा तुम पहले आना, बाकी सब लोग को भूल जाओ। तो जब वो नौजवान बनता है, तो उसका नजरिया सोसाइटी की तरफ यही हो जाता है कि भैया मुझे आगे बढ़ना है, बाकी सब बाय हुक और बाय क्रूक आई मस्ट सक्सीड, आई डोंट केयर अबाउट एनीबॉडी एल्स। मेरा ये दिल कहता है, मेरा ये दिल चाहता है कि अगर हम जितने यहां पेरेंट्स हैं, एडल्ट्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो कल जाके पेरेंट्स बनेंगे, अगर हम अपने बच्चों को ये सीख दें, जब वो छोटे हैं, जब वो घर आए, हम उसको ये सवाल पूछें, ये नहीं पूछें कि मार्क्स कितने मिले, उसको ये पूछें कि बेटा आज तुमने किसकी मदद की, आज तुमने किसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाई, अगर हम उसको ये पूछें, तो उसको ये लगेगा कि यार जरूरी ये है। मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा ये पूछते हैं, मार्क्स का तो कभी पूछते नहीं, वो मुझसे ये पूछते हैं कि भैया तुमने किसको हेल्प किया आज। तो हेल्प करना लोगों को, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना, ये मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकली वो इस चीज के साथ बड़ा होगा, स्कूल वही जाएगा, पढ़ाई लिखाई वही करेगा, वो उसका नजरिया थोड़ा बदल जाएगा। जब वो नौजवान, जब वो बच्चा नौजवान बनेगा, 21 साल का होगा, और सारे बच्चे उस उम्र के जब 21 साल के होंगे, हमारी सोसाइटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि तब हमारी सोसाइटी में ऐसे नौजवान होंगे जो खुद के बारे में नहीं सोच रहे, दूसरों के बारे में सोच रहे। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैं देखना चाहूंगा, जो मैंने अपने स्कूल लाइफ में नहीं देखी, कि हमको ये अहमियत इस पे दी जा रही है कि हम अपने आसपास के बच्चों को कितना हेल्प कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली अगर आ जाए, तो मुझे लगता है कि हमारा देश बहुत सुधर सकता है, बहुत बदल सकता है। बहुत नहीं हूं एजुकेशन के, इट वॉज जस्ट फॉर अ मैसेज कि किस तरह से सोचना है आगे। करेक्ट। एक चीज आपको बताते, जो स्पीच है इसके बाद कुछ और मैंने नोटिस किया, जब ड्राइव करते हैं ना, तो सिंगल लेन, मतलब समझिए कि एक कार जा सकता है, एक स्कूटर जा सकता है, और अगर एकदम सट के खड़े हो लेन में रोड पे, तो दो कार निकल सकती, सबको दिखता है, लेकिन आदमी का साइकोलॉजी क्या पता है, पैं 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 पैं, हमको आगे जाना है, साथ में जाने का सिस्टम ही नहीं। वो आगे वाला क्यों धीरे चला रहा है वो सोचना नहीं, वो पैं 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 पैं, मतलब वो ही बना कि मेरे को आगे निकलने दो, बाकी दुनिया गया चूल्हा बाड़ में, अपने को क्या ये। अब सोचे तो उस कार ड्राइवर का दोष है, यही तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिखा रहा है, उसका ट्रेनिंग ही बचपन से ऐसा हो गया, वो क्या करे। और हर आदमी का यही सोच रहा, सब अपना अपना सोच रहे, हम तो आगे निकले भैया, वो जो करे करे, अपने को क्या लेना देना।
एक्सेलेंस ऐसे ही नहीं आता है. देखिए एक्सेलेंस के लिए यू हैव टू डू मेनी एक्स्ट्रा थिंग्स, मेनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यू हैव टू चेंज योर एंगल्स इन डिफरेंट वे. या ये सही है, एक चीज और बताते, TQM या एक्सेलेंस जो आप पढ़ रहे हो ना, इसका एक बेसिक चीज ध्यान रखो. जो लोग बेसिक में ही अभी जूझ रहे हैं वो बेचारे क्या TQM सोचेंगे, क्या एक्सेलेंस सोचेंगे. ये सोच तब आती है जब आप बेसिक को स्टेबिलाइज कर पा रहे हैं. उस समय दुनिया वाले क्या करते पता है, बेसिक में ही अपना एक थोड़ा सा एड ऑन करते रहते हैं बस. वहीं दूसरा लेवल जो होता है वो एक्सेलेंस परस्यू करना शुरू करता है कि अब हमें करना भले एक ही है लेकिन बेस्ट करना है. जैसे ये आमिर खान का एग्जांपल एकदम बेस्ट सेट होता है, हाउ ही सिलेक्ट मूवीज, ही डजंट डू ऑल द मूवीज. सो व्हाट ही इज परस्यूइंग इन मूवीज इज, इन हिज एक्टिंग प्रोफेशन इज एक्सेलेंस. कि हम एक ही करेंगे साल में लेकिन ऐसा करेंगे जो मेरे को पूरा दिलो जान से सेटिस्फेक्शन देगा. करेक्ट. अब मूवी के ऑफर्स तो बहुत सारे आते होंगे, नाम फट गया, बेसिक से ऊपर आ गए, तो जितनी आ रही है सब कर लो, तो सब करने से एक्सेलेंस नहीं आएगा. एकदम सिंपल एग्जांपल है, यू हैव टू चूज दैट वन थिंग एंड यू हैव टू गिव 100% ओवर देयर. इस चीज पे लोगों का ध्यान नहीं. आपको ध्यान क्या देना है कि हमें कैसे नॉर्मल परफॉर्मेंस को सुपरसीड करना है, तब आप एक्सेलेंस परस्यू करते हो. बेसिक में जो लड़ झगड़ रहे हैं, जैसे मैं अपना करियर को अगर ग्राफ में लूं तो आज से 5 साल पहले मैं भी बेसिक में जूझ रहा था. मुझे लगता था कि इस महीने का ग्रोसरी कैसे आएगा, क्योंकि CA बने थे, उसके बाद सेटल हो रहे थे, पढ़ाने का लाइन चल रहा था. पहला प्रायोरिटी है कि अपने वर्क प्लेस को चलाना है, घर में कम बेसी कर लेंगे, ऐसा होता था. बट द मोमेंट वी केम अप दैट लेवल, उसके बाद ग्रोसरी लेवल ऊपर, उसके बाद बेसिक को पूरा सेटल जब कर दिए चारों तरफ से, कि अब जब महीने का ग्रोसरी का टेंशन था, अब 2 साल का कुशन पार्क करके रख दिया. अब तो 2 साल 3 साल क्या, 5 साल भी कोई नहीं छू सकता उसको. जब बेसिक लेवल सेट हो गया ना, उसके बाद एक्सेलेंस. अब जो कर रहे हो उसमें और बेहतर कैसे हो, उसके पीछे इनफैक्ट जितना पहले बेसिक के लिए मेहनत नहीं किए उससे ज्यादा मेहनत होता है. अब कॉन्शियसनेस और ज्यादा रहती, छोटा छोटा चीज और अच्छा दिखता है कि इसको और बेहतर करना है. ये सब एक्सेलेंस ही सिखा रहा है, इन परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस बोलते हैं हम लोग इसको, कि वी हैव टू परस्यू एक्सेलेंस. एक्सेलेंस कैन नॉट कम एट योर होम, यू हैव टू गो इट एंड टेक इट, एंड इट इज अ हार्ड जॉब. एंड इफ यू डोंट डू इट इन योर ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बिकम अ लीडर, यू विल बी अ नॉर्मल बिजनेसमैन, दैट्स इट. जो ये टाटा है, ये जो रिलायंस है, ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, इनका बिजनेस मॉडल पूरा एक्सेलेंस मॉडल है, तभी इनका इतना नाम है. वाई दे आर लीडर्स ऑफ द कंट्री, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर गुड फॉर्च्यून, इट्स बिकॉज दे आर परसुइंग एक्सेलेंस. उनका मोड ऑफ थिंकिंग आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह से लोग काम करवा रहे हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, इतने अग्रेसिवली आज भी ये लोग काम कर रहे हैं. तो वाई, बिकॉज ऑफ द वर्ड दिस एक्सेलेंस. एक्सेलेंस शुरू करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.